व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्पिन ओनली फंक्शन, जिसमें मैं आपको बकेट भर के कपड़े जो है स्पिन करने बताऊंगी। इससे पहले मैं स्पिन ओनली का फंक्शन बना चुकी हूं, लेकिन उसमें मैंने 2 या 3 शर्ट्स आई थिंक सो उसमें स्पिन की थी, लेकिन उसके बावजूद सबको स्पिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ एक और टिप शेयर करूँ जो मुझे ड्यूरिंग वॉशिंग जो है मुझे समझ आया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि इसके बाद आपको स्पिन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बकेट भर के मेरे पास कपड़े हैं जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था। तो अब चले आए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वक्त ज़ाया किए बगैर। ये देखें व्यूअर्स, वॉशिंग मशीन मेरी खाली है, ये मैं कपड़े ले लेती हूँ इसमें और वन बाय वन आपने खोल के डालने, ठीक है। खोल के क्या होता है, आपने यूं नहीं डालने, आपने क्या करना है कि वॉशिंग मशीन का ये जो सेंटर का पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, इस सेंटर में जो है ना आपने बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं डालना। कोशिश करनी है कि जब भी आप स्पिन ओनली करें तो इसको आपने फ्री रखना है। जो कपड़ा डालेंगे वो आप एतराफ में डालेंगे, यानी कि राउंड में डालेंगे कपड़े। तो आपने ये कपड़े खोले और आपने इसके ऊपर सेंटर में आपको ढके बगैर आपने इस तरीके से फैला दिए। आपने कपड़े वन बाय वन लेने हैं और इस तरीके से खोल के एतराफ़ में डाल देने हैं। ये देखिए, ये कपड़े आपने खोले, इस तरीके से आपने खोला और आपने इस तरीके से कपड़ों को फैला के डाला, राउंड अबाउट डालना है। और सेंटर का जो एरिया है आपने उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, उस सेंटर के एरिया में जो है आपका नहीं जाने चाहिए कपड़े। आपने सेंटर की बचत करते हुए आपने जो है सारे कपड़ों को एतराफ़ में इस तरीके से फैला लेना है और बिल्कुल खोल खोल के डालने हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने सारे बकेट भर के जितने भी मेरे कपड़े थे वो सब मैंने स्पिन के लिए डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर को जो है बिल्कुल नहीं इसके ऊपर कपड़े डाले, बिल्कुल इसके एतराफ़ में डाले हैं, राउंड अबाउट मैंने इसके कपड़े डाले हैं और खोल खोल के डाले हैं। ये नहीं कि सिर्फ इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ भी डालें और इस तरफ भी डालें, यानी कि चारों तरफ राउंड अबाउट मैंने बहुत अच्छे से इसको सेट कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं मशीन का करने लगी हूँ स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के बाद मैंने किया है पावर बटन ऑन और सेटिंग में मैंने इसको स्पिन ओनली का जो है फंक्शन सेलेक्ट किया है। कपड़े ज़्यादा हैं तो मैं 7 मिनट सेलेक्ट कर रही हूँ और ये मैंने स्टार्ट का बटन दबा दिया है। और आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स के मशीन कितने अच्छे से स्पिन कर रही है, पूरे बकेट भर के कपड़े आपके सामने है। और सेंटर का बार्ट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं डाला था। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ईजिली जो है ये सेंटर का पार्ट जो है आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और राउंड अबाउट आप इसके कपड़े लगाएं, तो आपकी स्पिनिंग की प्रॉब्लम आई थिंक सो इस वीडियो के बाद बिल्कुल दूर हो जाएगी, बिल्कुल मशीन आपकी स्पिन ईजिली करेगी। और आप ये देख सकते हैं कि बकेट भर के कपड़े थे, ना स्टक हो रहा है, ना वॉल से लग रहा है ड्रम। आप देख सकते हैं मशीन बिल्कुल स्टिल अपनी पोजीशन पर खड़ी है और जो है क्योंकि इसका बैलेंस बिल्कुल इक्वल है। और जब से मैंने मशीन ली है, एक दफ़ा हायर कंपनी के उसको बुलाया था टेक्नीशियन को, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। Thank you.
व्यूअर्स, वॉशिंग मशीन ने अपना स्पिन का फंक्शन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब मैं करने लगी हूँ मशीन का स्विच बटन ऑन, और आप इसे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे बकेट भर के कपड़े थे और मैंने राउंड अबाउट इसको लगाया था और बहुत अच्छे से मशीन ने स्पिन किए हैं। तो आपने देखा कि ये रिंस पर बिल्कुल भी नहीं गई है वॉशिंग मशीन, और इसने स्पिन किए हैं स्पिन ऑनली का फंक्शन, और बहुत अच्छे से कपड़े ड्राई हो गए हैं। तो आपने यही करना है कि आपने सेंटर के ऊपर जो है वेट नहीं डालना किसी भी कपड़े का, कोशिश यही करनी है कि खोल कर डालनी है और इसके राउंड अबाउट डालनी है और इसके सेंटर के पार्ट को आपने रहने देना है, फिर ये बहुत अच्छे से और इजीली जो है स्पिन हो जाएंगे। उम्मीद है व्यूवर्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या उनके साथ जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े स्पिन करते हुए। तो आपने वीडियो ज़रूर एंड देखी होगी, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।